सफाई एवं सफाई कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण कर्मचारी काफी परेशान है। कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर सीएमओ ऑफिस का घेराव कर दिया, सीएमओ को खरी खोटी सुनाई। कर्मचारियों का कहना है कि 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है। राशन की दुकान वाला हमसे उधार में सामान हमें नहीं दे रहा है। घर की बिजलियां काट दी गई है। स्कूल के बच्चे के स्कूल वाले फीस के लिए परेशान कर रहे हैं। राखी का पर्व सामने आ गया है, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी नगर परिषद से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। अगर जल्द ही वेतन नहीं मिलता है तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेंगे तथा तालाबंदी कर काम बंद भी कर देंगे। नगर परिषद सीएमओ विष्णु प्रसाद देवड़ा ने कहा कि शासन की ओर से हमारी नगर परिषद बहुत कम मात्रा में राशि आवंटित की जा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों के वेतन बांटने में परेशानियां आ रही है। शासन से हमने मांग पत्र के माध्यम से नगर परिषद के खाते में चुंगी कर की राशि डालने को कहा है। जैसे ही शासन से राशि आवंटित होती है, कर्मचारियों को उनका वेतन दे दिया जाएगा। रुपेश सिंह की रिपोर्ट। और हम समस्त कर्मचारी संघ के बैनर तले हमारे जितने कर्मचारी हैं, हम बहुत त्रस्त हो चुके हैं। हमको 3-3 महीने हो गए, 3 महीने और 1 दिन हो गया है। अब 3 महीने और 1 दिन में आप 75% हमारी तनख्वाह डाल रहे हैं। 75% तनख्वाह डालेंगे तो हमारे बच्चों का जीवन यापन हम कैसे करेंगे? आज ये समस्या है, स्कूल में बच्चों की ड्रेस लाना, कापी किताब लाना, हमारे बच्चों की फीस उन भरना, उनके एडमिशन उन करना, तो कर्मचारी उन सब भयंकर दुखी है इनसे। और हर महीने की मतलब, और हमने बैंक उनसे लोन लिए, वहाँ से नियमित पहले अगले कार्यकाल में तनख्वाह जमा होती थी, तो हमने लोन उन लिया तो वहाँ हमारी क्रेडिट बैंक हो गई फाल्ट। कोई ने मकान बनाया तो कोई ने गाड़ी उठाई तो कोई ने क्या करा, तो वहाँ भी हमारी किस्त जमा नहीं हो रही, तो बैंक में भी हमारी क्रेडिट फाल्ट हो गई। और इधर हमारे बच्चों को हम किराने का सामान तक नहीं ला पा रहे हैं, ना बच्चों की पढ़ाई हो रही है, ना कोई बीमार दुखी तो हम उसका अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। और हर महीने ये ऐसी नाटक करते हैं, 3-3 महीने, कभी 1 महीने डीडी नहीं आए इनकी। 3 तारीख को डीडी आ जाती है, 2 तारीख को डीडी आ जाती है, 29 में चलती है, 30 में आ जाती है, 25 तारीख तक इनके यहाँ डीडी नहीं आती। ये हमको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। नगर क्या मांग है आपकी? डीडी यहाँ नहीं आती है। क्या मांग है आपकी? क्या है? अब हमारी ये मांग है कि अभी ये हाल हो गया हमको कि पिछले 10-15 साल से ना तो इनने ड्रेस दिए, अभी बारिश का समय है, इनको बीमारी उन फैल जाएगी। हमारे सफाई कामगारों कीचड़ गाड़ रहे हैं, मिट्टी गंदगी में काम करते हैं, पानी ऊपर से गिरता है, रेनकोट देना चाहिए, लॉन्ग शू देना चाहिए, हाथ मोजे देना चाहिए, मतलब कर्मचारी को कोई सुविधा भी नहीं है। बिगैर सुविधा से भी हमारा कर्मचारी आदेश में इनके अधिकारियों के आदेश आपको तनख्वाह नहीं मिली, पेमेंट नहीं मिला, तो आगे क्या रणनीति? आगे की ये रणनीति है कि हमारे सफाई कामगार संघ, दैनिक वेतन भोगी संघ, स्थायी कर्मचारी महासंघ, समस्त कर्मचारी के बैनर तले अब ये मूल बनाया सब कर्मचारी ने कि मजबूरन हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा, क्या कि जिससे इन लोगों को कुछ समझ में आए और हमारी तनख्वाह नियमित मिले। हम ये चाहते हैं कि हमारे महीने की महीने तनख्वाह मिलती रहे, और हमको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम ठाकुर मोहन सिंह बेज, में स्थायी कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष, और हम समस्त कर्मचारी संघ हम सब साथ है। आपकी आज क्यों इकट्ठे? समस्या ये है कि हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? बच्चों को स्कूल से भगाया जा रहा है, रोज रोज हम स्कूल में बच्चों को जा के तंग हो चुके हैं। घर का खर्चा कैसे चलाएं? हमारे घर में राशन नहीं है, बिजली वाले बिजली काट के जा रहे हैं, आखिर को हम हमारा घर कैसे चलाएं? बस क्या लाडली बहनों को पैसे दे रही है सरकार, तो वहीं तक सीमित है। और हम लाडली बहनों के आए जो हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं, और जो हमें हमारी कमाई का पैसा नहीं मिल रहा, हमें हमारी पैसे के लिए हमको यहाँ बार बार आना पड़ रहा है। क्या कर रहे हम? हमें टाइम पे वेतन नहीं मिल रहा, आखिर करें क्या हम? हम लाडली बहनों को हम राखी कैसे? रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम कैसे त्यौहार मनाएं? 3 महीने हो चुके, 3 महीने से हम इतने परेशान हो रहे हैं। हमारे घर मतलब कर्जे वालों ने इतना गून चुके हैं कि हमको जहर खाने पर मजबूर हो गए हैं। तो हम हमारे बच्चों को जहर देते हैं, और बस हमको यही आखिरी यही रह गया कि हम मर जाए, क्योंकि हम परेशान होकर घर से बाहर निकलते तो कर्जे वाले हमको परेशान कर देते हैं। बस क्या काम ही करने के लिए, बस हम काम ही करें। बारिश, ठंड, गर्मी, बरसात, बीमार, दुखी, मतलब हम काम पे कभी नहीं चुकते। फिर सरकार हमारे को क्यों ये इतना दिक्कत दे रही कि हम तनख्वाह पे इतना परेशान हो रहे हैं, कि हमारी कमाई का पैसा हमको खुद को आके यहाँ पे मजबूर हो के हड़ताल करना पड़ रही हो, लेना पड़ रही है। अगर आपकी मांग नहीं तनख्वाह नहीं देंगे तो क्या दिया? कब तक हम मतलब परेशान हो के यहाँ पे आएंगे? कब तक हम यहाँ पे हड़ताल करेंगे? समय पे हमें तनख्वाह दी जाए ताकि हमारी परेशानी दूर हो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रियंका पति विशाल, सफाई कर्मचारी।